1939 का एक रुपए का सिक्का बेहद कीमती और रेयर सिक्का है, जिसकी कीमत पास्ट की ऑक्शंस में कई लाखों में जा चुकी है। अब ये बात सुनकर मेजॉरिटी लोग 1939 ईयर के सिक्के को ढूंढने लगते हैं। और हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि काफी लोगों को 1939 के ऐसे सिक्के मिल भी जाते हैं, जैसा कि बहुत से कमेंट्स में व्यूअर्स द्वारा हमें ये देखने को मिलता है। तो ऐसा कैसे, ये मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के जरिए आज समझाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिलर। सो वेलकम टू चिलर ज्ञान। तो व्यूअर्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेजॉरिटी व्यूअर्स होते हैं उनका फोकस होता है केवल सिक्के की कीमत और ईयर 1939 पे। लेकिन ये जानने की कोशिश बहुत ही कम लोग करते हैं कि जो सिक्के वो ढूंढ रहे हैं या जो सिक्के उन्हें मिल रहे हैं वो असली सिक्के हैं भी या फिर नहीं। इसलिए सिक्कों को खरीदने या फिर बेचने के बारे में सोचने से पहले सिक्कों को स्टडी करना और उनकी डीप नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। अक्सर हमें एग्जीबिशंस के बाहर, मंदिरों के बाहर या फिर कई लोकल मार्केट्स में ऐसे रोड साइड सेलर्स देखने को मिलते हैं जो एंटीक आइटम्स या फिर कॉइन्स करेंसी बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आप सभी से कहना चाहूँगा और जो बिगिनर कलेक्टर्स हैं स्पेशली उनसे, कि ऐसी जगह से अगर आप ब्रिटिश इंडिया सिल्वर कॉइन्स या फिर रेयर कॉइन्स परचेज कर रहे हैं तो आपको खुद को उन सिक्कों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सिक्का जेन्युइन सिक्का है और कौन सा सिक्का नहीं, क्योंकि बेचने वाले को तो सिक्के सिर्फ बेचने ही हैं। और वैसे भी मैं आपको कभी ऐसी जगहों से महंगी आइटम्स परचेज करना रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन पहले मुझे एक रोड साइड कॉइन सेलर दिखा। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो भी सिक्के मैंने इस सेलर के पास देखे उनमें से एक भी सिक्का असली सिक्का नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पोस्ट मैं आप सभी की अवेयरनेस के लिए शेयर करूं। तो सबसे पहला है 1939 का ये एक रुपए का सिक्का। लो जी, यहाँ पे भी आसानी से 1939 का सिक्का मिल गया। अब जिसने केवल इतना सुना होगा कि 1939 का सिक्का लाखों का सिक्का है, वो तो मनी मन खुश हो जाएगा कि 1939 का सिक्का मिल गया और मैं अमीर बन गया। और ऐसा सोच के वो ये सिक्का 400-500 या फिर जो भी दाम में ये सेलर सिक्का बेच रहा होगा उसमें खरीद लेगा। लेकिन जो सिक्कों की नॉलेज रखता होगा वो पहली नज़र में जान जाएगा कि ये एक पुअर डिज़ाइन का नकली सिक्का है। और वैसे भी 1939 के ओरिजिनल सिक्कों में हमें किंग जॉर्ज VI देखने को मिलते हैं, ना कि विक्टोरिया एम्प्रेस, जो कि इस फेक सिक्के बनाने वाले की एक मेजर गलती है। दूसरे सिक्के में इन्होंने और कमाल कर दिया है, 1839 का एक रुपये का सिक्का, जबकि 1839 में कोई भी एक रुपए का सिक्का आम चलन के लिए जारी नहीं हुआ था ब्रिटिश काल में। इससे और ज्यादा ब्लंडर यह है कि इसके पीछे किंग जॉर्ज V का पोर्ट्रेट दिखाया गया है, जबकि जॉर्ज V का कार्यकाल 1911 से शुरू हुआ था। खैर, पोर्ट्रेट के डिजाइन पे तो कोई खास टिप्पणी क्या ही की जाए, ये असली डिजाइन से दूर दूर तक कोई मैच नहीं खाता है। इसी सेलर के पास नीचे आप बहुत सारे टेम्पल टोकन्स भी देख सकते हैं, जिन्हें भी कई बार लोग रेयर सिक्के समझ बैठते हैं। तीसरा सिक्का आप देख सकते हैं 1917 का एक रुपए का सिक्का, एक और नकली सिक्का, जिसमें किंग जॉर्ज V का पोर्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह विक्टोरिया क्वीन का पोर्ट्रेट है, वो भी विदाउट क्राउन, जो नजर आता था 1840 के सिक्कों में। एक और 1917 का विक्टोरिया क्वीन वाला नकली सिक्का, यानी जो ऐसे नकली सिक्के बना रहा है उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि कौन से वर्षों में कौन से राजा रानी ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों में दिखाए जाने चाहिए। अगला नकली सिक्का है बहुत ही पुअर डिजाइन का, 1889 का ये विक्टोरिया एम्प्रेस का सिक्का। विक्टोरिया का ये पोर्ट्रेट क्लियरली बता रहा है कि ये एक फेक कॉइन है। अब ये जो सेलर है ये इन सभी सिक्कों को सिल्वर मेटल का बता रहा है, जबकि मेरे हिसाब से इनमें चांदी की मात्रा ना के बराबर है। नेक्स्ट सिक्के में विलियम IV का पोर्ट्रेट किसी डाकू से कम नहीं बनाया गया है,
इसे देख के तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इतने पुअर डिजाइन में तो शायद सरकार सिक्का नहीं बनाएगी। 1835 का यह सिक्का भी एक नकली सिक्का है। अगला सिक्का है 1920 का 8 आनास कॉइन। 8 आनास कॉइन की जो डिनोमिनेशन है ये नए कलेक्टर्स को काफी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऐसे सिक्के हमें कम देखने को मिलते हैं और इसी वजह से कई बार लोग 8 आनास के ऐसे नकली सिक्के खरीद लेते हैं। रिवर्स साइड से फिर भी पहली नजर में इतना समझ नहीं आता है इस सिक्के में, लेकिन जॉर्ज फाइव के पोर्ट्रेट से एकदम क्लियर हो जाता है कि ये एक नकली 8 आनास कॉइन है। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश इंडिया के जो भी यूनिक सिक्के हैं उन सभी के रेप्लिकाज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये है 1919 का 4 आनास कॉइन, एक और फेक सिक्का। सेलर तो इसे भी चांदी का सिक्का बता रहा था, जबकि ओरिजिनली ये सिक्का कॉपर निकल मेटल में जारी हुआ था। अब जब मैंने ये सभी सिक्के देखने के बाद इस सेलर को बताया कि ये सभी सिक्के नकली सिक्के हैं, तो उसके बाद मुझे बाकी सिक्के देखने से मना ही कर दिया गया। खैर, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा नए कलेक्टर्स के रेफरेंस के लिए कि बिना नॉलेज, बिना सिक्कों के डिज़ाइन को अच्छे से समझे हुए सिक्कों को परचेज ना करें। सिक्कों पर इन्वेस्ट तभी करें जब आप उस सिक्के की ओरिजिनलिटी के बारे में कन्फर्म हों। तो व्यूअर्स, ऐसे सिक्कों को अपनी कॉइन कलेक्शन के लिए लेने से आप सभी को बचना है और अपने पैसों को वेस्ट होने से बचाना है। तो कैसा लगा आप सभी को ये अवेयरनेस वीडियो रोड साइड सेलर्स द्वारा बेचे जाने वाले फेक सिक्कों पे? आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्या आप में से कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कॉइन कलेक्शन के शुरुआती दिनों में नकली सिक्कों पे पैसे खर्च कर दिए हों और फिर उन्हें सबक मिला हो कि सिक्कों को खरीदने या बेचने के बारे में सोचने से पहले उनको स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है? तो अपने ये एक्सपीरियंस भी आप सभी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस जिसमें आप जान पाएंगे मुझे और चिलर ज्ञान की एडिटर को और बेहतर से, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।